Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक तरफ से ये सूरज उग रहा है इनके करियर पे, एक तरफ एक सूरज ढल रहा है करियर पे. हम असगर अफगान की बात कर रहे हैं. स्तानिकजाई, असगर स्तानिकजाई होता था इनका नाम, इन्होंने बदल के असगर अफगान रखा. कप्तान थे अफगानिस्तान के काफी समय तक, इनफैक्ट सबसे सफल कप्तान रहे हैं T20s में. इनफैक्ट आई थिंक इनकी जीतों का जो आंकड़ा है वो MS धोनी से भी ऊपर है, और कम मैच में तो 80% जो है जीत का जो रेशियो है यहाँ पर जो है इनका, 42 जीते हैं 52 मैचेस में. और इन्होंने कल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और आज होगा उनका आखिरी मैच. वीरू, मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा कि हमेशा जब ऐसे टूर्नामेंट के बीच में कुछ होता है तो आपको हमेशा लगता है कि ये कहानी में कोई और ट्विस्ट है जो हमें बताया नहीं जा रहा. नहीं, हो सकता है, जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो सकता है, वरना हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं वर्ल्ड कप खेल के जाऊँ. देखिए, विराट कोहली ने भी अनाउंस किया ना कि मैं रिटायर कप्तानी नहीं करूँगा वर्ल्ड कप के बाद, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ी जा रहा. तो इन्होंने अनाउंस किया है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा इस मैच के बाद. तो अभी उनके शायद एक या दो मैच और बाकी थे तो वो नहीं खेलना चाहते, या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उन्हें कहा कि भैया तो आप रिटायर हो जाएं या फिर हम आपको ड्रॉप कर देते हैं प्लेइंग 11 से, आप खेलेंगे नहीं. तो इससे बढ़िया मौका और क्या होगा. अगर ऐसी भी बात हुई है कि भी मैनेजमेंट ही चाहता है कि वो प्लेइंग 11 में ना खेले, तो उन्होंने वो जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि भाई मैं अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप का मैच खेल के जा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. तो ये ऑप्शन अगर भारतीय खिलाड़ियों में हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, अगर इनको दी जाती ना तो शायद वो भी ले लेते. सिर्फ हमारे एक ही दोस्त को दी गई थी, नेहरा जी, जिनका हुआ था फेयरवेल मैच दिल्ली में, और उसके बाद नहीं, उनको ऑप्शन दी नहीं गई थी, उन्होंने ऑप्शन दी थी, उनको ऑप्शन मिली नहीं थी. उन्होंने कहा था मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं अगली सीरीज खेलूंगा, अगली सीरीज खेल के मैं रिटायर हो जाऊंगा. ये डिसीजंस डोंट हैपन टू नेहरा जी, हैपेंस टू डिसीजंस. वो भारी पड़ते हैं. पर भारी की बात अगर करें, भारी खिलाड़ी रहे हैं अजय भाई असगर अफगान. अफगानिस्तान के लिए काफी भार उठाया अपने कंधों पे उन्होंने, लेकर गए हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट को जहां पे थी कहां तक लेके गए हैं. बहुत बड़ा हाथ है इनका, बहुत बड़ा हाथ है. और जो अब हम खिलाड़ी देखते हैं, राशिद खान हो, नबी हो, मुजीब तो उनके बाद आए, लेकिन जब वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला करते ना तब से वो शायद कप्तान थे. तो जब पहला टेस्ट मैच भी खेले तब वो कप्तान थे. उन्होंने वो कहते हैं ना, एक ट्रांजिशन होता है एक यू नो किसी टीम का, कि एक तरह से खेला करते थे, वहां पे एक एनवायरमेंट था, उसको उन्होंने फिर ये मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे ले जाने वाले, उंगली पकड़ के ना सब खिलाड़ियों को वहां लेके गए. आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट है उनकी. पिछले मैच में भी हमने देखा उनको, यू नो, जब वो 17वें ओवर में डिसाइड हो रहा था क्या राशिद खान डाले या कोई डाले, तो असगर साहब को बुलाया गया, क्योंकि एक सीनियर है ना वहां पे, एक यू नो उनसे आप यू नो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि भागे, स्प्रिंटिंग करें, डाइवे मारे, लेकिन एक सीनियर का जो रोल होता है उन्होंने बखूबी अदा किया है. और मैं यू नो बहुत बहुत मुबारक करता हूँ उनको कि इतना बड़ा बढ़िया करियर रहा है. एक अफगानिस्तान का वर्ल्ड मैप में इन्होंने जो एक स्टैंप अथॉरिटी दी है, क्योंकि क्रिकेट में अफगानिस्तान का इतना नाम नहीं होता था, लेकिन आज अगर अफगानिस्तान का जो नाम है उसको यहाँ पहुंचाने वालों में राशिद, नबी तो है ही है, लेकिन असगर अफगान का बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि उन्होंने इस टीम को खेलना सिखाया है. और जो अब आप स्पिरिट देखते हैं ना अफगानिस्तान की, वो शायद ये मैं बाहर से सोचता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनकी देन है. और रहते हैं स्टाइल में ही, और स्टाइल से ही जा रहे हैं. बहुत बहुत मुबारक हो इस करियर के लिए, और एक टीम को आपने वर्ल्ड स्टेज पे लाके छोड़ा है. वर्ल्ड कप के बीच में है, पास में है, वो तो अपनी बातें हैं, लेकिन आई विश हिम ऑल द लक. और ये आखिरी बार नहीं सुन रहे हैं आप इनका नाम, ये बात पक्का है कि ये क्रिकेट से भी जुड़े रहेंगे और वर्ल्ड में इनका कहीं ना कहीं रोल जरूर रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने किया है ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है.